ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। बच्चों के मन में अक्सर ये डाउट रहता है कि हमें बनना है फोटोग्राफर, लेकिन किस इंस्टीट्यूशन के अंदर जाकर के हमें वो ट्रेनिंग, वो कोचिंग मिलेगी जिससे हम एक ट्रू फोटोग्राफर बन सकेंगे। तो देखिए, जब भी आप किसी इंस्टीट्यूशन को देखते हैं तो दीवारें नहीं देखते हैं, आप उस इंस्टीट्यूशन का इंफ्रास्ट्रक्चर देखें। सेकंड, वहाँ की फैकल्टी को जरूर आप देखें, क्योंकि कैमरे ने आपको नहीं पढ़ाना है, फैकल्टी ने आपको पढ़ाना है। तो अगर वहाँ फैकल्टी एक्सपीरियंस्ड है, फैकल्टी का बैकग्राउंड किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन के साथ में है, फैकल्टी एजुकेटेड है और वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है, तब आप उस इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करें। आप इंस्टीट्यूशन के सोशल मीडिया प्रमोशन से या सोशल मीडिया कैंपेन से या उनके एडवर्टीजमेंट को देख करके किसी भी इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन ना करें। वहाँ पर्सनली जाएं, विजिट करें, विजिट करने के बाद वहाँ फैकल्टी से इंटरेक्शन करें। अगर आपको लगता है कि आप फैकल्टी को जज कर सकते हैं या आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते, तो अपने साथ किसी ऐसे पर्सन को लेकर के जाएं, किसी मैच्योर पर्सन को लेकर के जाएं जो इन चीज़ों को इवेल्युएट कर सके कि हाँ, दिस इज़ द राइट इंस्टीट्यूट, यहाँ मेरा बच्चा जो है एक साल का कोर्स करने के बाद एक एक्चुअली स्किल्ड प्रोफेशनल फोटोग्राफर बन सकता है। तो वहाँ जा करके इन जरूर चीज़ों को आप देखें कि इंफ्रास्ट्रक्चर उनका कैसा है, वो आपको क्या क्या इक्विपमेंट प्रोवाइड करवाते हैं ड्यूरिंग द प्रैक्टिकल सेशन, और उनका जो कोर्स है वो किस तरह से डिवाइडेड है, उसके अंदर प्रैक्टिकल पार्ट कितना परसेंट है, थ्योरेटिकल पार्ट कितना परसेंट है, और जिस स्टाइल ऑफ फोटोग्राफी को आप ऑप्ट करना चाहते हैं वहाँ कितना स्कोप है। आप सोचिए, आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना चाहते हैं तो आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि बहुत बढ़िया उनका स्टूडियो सेटअप हो, क्योंकि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर तो बाहर होनी है। तो यहाँ मैटर करता है कि आपके पास, कि आप फैकल्टी को जज करें, क्या फैकल्टी के पास वो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का एक्सपीरियंस है, क्या फैकल्टी इतनी स्मार्ट है कि आपको उस तरह की कोचिंग या ट्रेनिंग दे सकती है, क्या इंस्टीट्यूशन आउटडोर के टूर एंड ट्रेवल्स करवाते हैं, आपको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी टूर्स करवाते हैं तो कितने करवाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप जज करें। आप अगर फैशन फोटोग्राफर बनना चाहते हैं तो उनके स्टूडियो सेटअप के अंदर क्या वो सारी चीज़ें हैं, कितने वो लाइव मॉडल के साथ आपको ट्रेनिंग करवाते हैं, तो ये सारी चीज़ों को आपको जज करने के बाद किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहिए, ना सिर्फ एडवर्टीजमेंट को देख करके, ना सिर्फ उनकी सोशल मीडिया कैंपेन को देख करके। देखिए, बेसिक से लेकर के एडवांस कोर्स तक आपको फोटोग्राफी के मिल जाएंगे और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो करवाते हैं। तो अगर एज ए हॉबीस्ट आप काम करना चाहते हैं तो 2 महीने से 4 महीने का कोर्स करके भी आप एज ए हॉबीस्ट फोटोग्राफर बन सकते हैं, लेकिन अगर आपको ट्रू प्रोफेशनल फोटोग्राफर बनना है तो आप एटलीस्ट 1 साल का डेडिकेटेड कोर्स करें। वहाँ आपको डिफरेंट जॉनर, डिफरेंट स्टाइल ऑफ फोटोग्राफी को एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा, वहाँ आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आप अगर सोचते हैं कि मेरे पास सक्सेस होने का कोई शॉर्टकट है, तो वो शॉर्टकट ना लें, पूरा टाइम दें, प्रैक्टिकल्स करें, थ्योरेटिकल स्टडी करें, बुक्स को स्टडी करें, प्रॉपर डेडिकेशन के साथ अपने टूल्स एंड गैजेट्स को जो है वो एक्सप्लोर करें, तभी आप एक फोटोग्राफर बनेंगे। अब बात रहती है कि मुझे पर्टिकुलर किस स्टाइल का या किस जॉनर का फोटोग्राफर बनना है। देखिए, एक बेसिक ट्रेनिंग लेने के बाद, जैसे एक डॉक्टर बनते हैं, डॉक्टर MBBS बनते हैं, वो एक जनरल फिजिशियन होता है, वो सभी तरह के डिसीज़ के बारे में उनका ट्रीटमेंट करता है। लेकिन नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, जब वो MD बनते हैं, यानी कि किसी एक डिसीज़ के स्पेशलाइजेशन के अंदर। तो आप पहले एक बेसिक कोर्स करते हैं, बेसिक कोर्स करने के बाद उसके बाद आप चूज़ करते हैं कि हाँ, अब मुझे मेरे इस स्पेशलाइजेशन जोन के अंदर जाना है, यानी कि आपका इंक्लाइनेशन कहाँ है, आपका आर्टिस्टिक जो आपका इंक्लाइनेशन है, जो आपका आर्टिस्टिक स्टाइल है, वो कहाँ किस पर्टिकुलर फोटोग्राफी की फील्ड में मैच करता है। सपोज आप एक फैशन फोटोग्राफर बनना चाहते हैं, तो फैशन फोटोग्राफर बनने के लिए जो आपने बेसिक पूरी फोटोग्राफी की ट्रेनिंग ली, अब आप स्पेशलाइज जोन की तरफ चले गए, अब उसके अंदर आपको क्या सीखना है वो आप सीखते हैं। देखिए, बिजनेस जो रिलेटेड होता है वो नेटवर्क बेस्ड होता है। आप कोई भी बिजनेस करेंगे, काम करेंगे, उसमें आपको नेटवर्क डेवलप करना पड़ता है, लेकिन नेटवर्क डेवलप तभी होता है जब आपका काम अच्छा होता है, क्योंकि एक होता है माउथ पब्लिसिटी, एक होता है सोशल मीडिया मार्केटिंग।
अगर आप जब भी काम करेंगे आपका एक फर्स्ट क्लाइंट होगा, तो आप अपने फर्स्ट क्लाइंट के साथ कैसा बिहेव करते हैं और कैसा उनको डिलीवर करते हैं अपना प्रोफेशनल वर्क, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो यहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट होती है। अब उसके बाद आप अच्छे काम के साथ साथ जब लोगों का एप्रिसिएशन आपको मिलेगा तो आपकी नेटवर्किंग ग्रो होगी। साथ में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, फेसबुक है, यहाँ पर जो आप अपना काम करते हैं आप उसे पोस्ट करें। और बहुत सारे दूसरे प्लेटफॉर्म्स भी हैं जहाँ पर पेड मार्केटिंग होती है, लेकिन मैं चाहूँगा कि वो आप इनिशियली ना करें, क्योंकि पहले आप अपना एक बैकग्राउंड बनाएं, कि आपके पास एक बैकग्राउंड हो जिसमें आपके पास एक अच्छे काम का एक पूरा बुके हो जिसको आप लोगों को शोकेस कर सकें कि हाँ ये मेरे पास काम है और ये मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी। तो लोगों को एक सेटिस्फेक्शन जरूर मिलता है, क्योंकि लोगों को आप कहेंगे अच्छे फोटोग्राफर तो हैं आप, लेकिन वो कहेंगे अच्छा दिखाइए आपने क्या किया है, तब आप क्या कहेंगे, आप किसी और का काम तो दिखाएंगे नहीं, डेफिनेटली वो तो एक चीटिंग होगी। तो आप जब अपना एक बुके तैयार कर लेंगे कि हाँ मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल के मैंने ये काम कर लिए हैं, अब आप अप्रोच करते हैं, उसके लिए आप एक स्ट्रेटेजी तैयार करें कि कैसे आपने मीडिया को यूज़ करना है, कैसे आपने अपने जो पर्सनल नेटवर्क है उसको यूज़ करना है। तो आप उसके थ्रू धीरे 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 आप देखेंगे कि आपका नेटवर्क बनता चला गया। बट बी ऑनेस्ट विद योर वर्क। पहले क्लाइंट को अगर आप अच्छा काम करके देते हैं तो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, हर क्लाइंट के लिए आप उतनी डेडिकेटेडली मेहनत करेंगे ताकि वो आपको नेक्स्ट माउथ पब्लिसिटी मिलेगी, एप्रिसिएशन मिलेगा और ऑटोमेटिकली आपका काम जनरेट हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज माइंड मेकअप। आप एक बार डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे इस पर्टिकुलर प्रोफेशन में जाना है, तो उसके बाद आप इफ एंड बट को हटा दीजिए, उसके अंदर आप कोई डाउट मत रखिए, क्योंकि कोई भी प्रोफेशन खराब नहीं होता है। ये डिपेंड करता है कि आपकी डेडिकेशन कितनी है, आपकी कंसिस्टेंसी कितनी है और आप कितना डिवोट करते हैं उस प्रोफेशन को लेकर के। तो आप अगर एज ए फोटोग्राफर बनना चाहते हैं, अच्छे फोटोग्राफर बनना चाहते हैं, तो कोई आपको रोक नहीं सकता है सिवाय आपके। आपको फोटोग्राफर बनने के लिए डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी और पूरा डिवोशन के साथ आपको काम करना है, एंड नोबडी कैन स्टॉप यू टू बिकम ए गुड फोटोग्राफर। देखिए, जैसे भी कोई आप बात की आपने कि डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं या चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं, इनके पास देखिए दो ऑप्शंस होते हैं, या तो किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये काम करते हैं या स्टैंड अलॉन यानी कि एज ए फ्रीलांस काम करते हैं। और यही चीज़ लागू होती है एक फ़ोटोग्राफ़र के साथ। एक फ़ोटोग्राफ़र भी किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी काम कर सकता है। बहुत सी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो फोटोग्राफ़र्स को पेरोल पे रखती हैं, बहुत सी प्राइवेट कंपनीज हैं जो फोटोग्राफ़र्स को पेरोल पे रखती हैं, और बहुत से फोटोग्राफ़र्स हैं जो कहते हैं कि हम पेरोल पे काम नहीं करेंगे, हम एज ए फ्रीलांस काम करेंगे। तो जैसे बाकी प्रोफेशन के अंदर स्कोप है, वैसे ही एज ए फोटोग्राफर आपके पास भी स्कोप है। आप एज ए फ्रीलांस भी काम कर सकते हैं और आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी काम कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन उठता है कि हमें कैसे पता लगेगा कि फोटोग्राफी का स्कोप कहाँ है, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हम कैसे करेंगे। तो जैसे आप इंजीनियर बनने के लिए जाते हैं तो कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, तो जैसे ही आप ग्रेजुएशन करते हैं, ग्रेजुएट होते हैं एज ए इंजीनियर, तो उसके बाद कॉलेज में ही आपको ये आइडिया लगने लग जाता है कि कहाँ स्कोप है। आपके फैकल्टीज, आपके प्रोफेसर्स, वो सब आपको बताते हैं, वो आपको गाइड करते हैं। सेम विद अ फोटोग्राफी, जब आपका एक साल का कोर्स कंप्लीट होता है या दो साल का कोर्स कंप्लीट होता है, तो इन द टाइम ऑफ दैट कोर्स कंप्लीशन आपके पास आइडिया लग जाता है, आपको वहाँ से गाइडेंस मिलनी शुरू हो जाती है, आपको पता लग जाता है कि मेरी फील्ड का स्कोप कहाँ है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ मैं पिच कर सकता हूँ, और एज ए फ्रीलांस मेरा स्कोप क्या है, मैं किस काम से पैसे भी कमा सकता हूँ, लाइवलीहुड भी कमा सकता हूँ और अपना नेम एंड फेम भी कमा सकता हूँ।